तखतपुर के घर के खरकेना ग्राम पंचायत में काफी दिनों से सड़क की समस्या थी। बिलासपुर रायपुर हाईवे से लगे होने के कारण इस ग्राम पंचायत में वाहनों की आवाजाही लगी रही थी। संसदीय सचिव और विधायक रश्मि आशीष सिंह के प्रयासों से खरकेना ग्राम से हाईवे मार्ग नई सड़क का निर्माण किया गया। कुछ कार्य करने के बाद ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया, पर विधायक के हस्तक्षेप के चलते ठेकेदार द्वारा बिना मन के सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। सड़क के अगल बगल घनी बस्ती बसी है जिसके पीछे खेत है। बरसात में खेतों का पानी मुख्य मार्ग पर आ जाता है जिसके चलते ग्रामीणों का घर बरसाती पानी में डूब जाता है। नियम के अंतर्गत ठेकेदार को सड़क निर्माण के दौरान ही तीन स्थानों में छोटे छोटे पुलों का निर्माण करना था, पर ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया। ठेकेदार के द्वारा सीमेंट का दोंद मंगाया पर उस पर कहीं भी नहीं लगाया गया, साथ ही नाली की व्यवस्था नहीं की गई। सड़क के किनारे मुरम डाली जानी चाहिए ताकि आने वाले वाहनों को समस्या का सामना न करना पड़े, पर ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया जिसके चलते आने जाने वाले वाहनों को काफी असुविधा हो रही है। ग्राम सरपंच परमेश्वर साहू ने बताया, जब निर्माण चल रहा था तब हमने ठेकेदार को सभी समस्याओं के बारे में जानकारी दी थी, बावजूद ठेकेदार और संबंधित विभाग ने कोई ध्यान न देते हुए आनन फानन में लीपापोती करते हुए सड़क का निर्माण कर दिया। जैसे कि आप देख रहे पाठक जी, मैं ग्राम पंचायत खरकेना का सरपंच हूँ। गत 2 वर्ष से इस रोड का कार्य चल रहा है। संभवतः हमारे क्षेत्र की विधायक रश्मि आशीष सिंह के यथार्थ प्रयास से ये रोड, डामर का जो रोड है, पूर्ण हो पाया है। मगर हमको ऐसा लगता है कि अभी भी ये रोड अधूरा है। मैं हमारे क्षेत्र के विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डामरीकरण करवाने में हमारा बहुत सहयोग दें इसके लिए। परंतु मैं इस मीडिया के माध्यम से और अवगत कराना चाहता हूँ कि रोड बनने के कारण जो साइड पटिंग जो होना था पटरी का, वो नहीं हो पाया है, जिससे आम जनता को, आने वाले वाहनों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। रोड के किनारे में 1 से 1.5 फीट गड्ढा है और दोनों साइड से जैसे वाहन आती है उसमें दुर्घटना होने के बहुत चांसेस हैं, एक को नीचे उतारना पड़ता है। तो हम कई बार इंजीनियरों से बात कर चुके हैं, ठेकेदारों से, कि भैया जैसे तैसे रोड बन गया है, अब साइड पटिंग कराइए बोल करके, मगर अभी तक उन लोगों के कान में जू तक नहीं निकल रही है। तो मीडिया के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं कि वो साइड पटिंग कराएँ और ताकि लोगों को सुख सुविधा मिल सके। दूसरा चीज़ है पाठक भैया, रोड बनने से पहले नाली बनना चाहिए था, ये आम जनता का मुख्य सुविधा है। और जहाँ पुल बनना चाहिए था, आप 4 किलोमीटर का जो डामर का रोड बना है उसमें बस्ती अंदर में एक भी पुलिया का निर्माण नहीं किया हुआ। हमारे द्वारा ठेकेदारों को, इंजीनियरों को बार बार निवेदन किया गया था कि भैया आप पहले पुलिया बनाइए। दोनों साइड में हमारा जो खेती किसानी का जो खेत है, वो खेत है, उसके बाद बस्ती बसा हुआ है। खेत का पानी बस्ती के अंदर आता है, पानी निकासी नहीं होने के कारण जो ग्रामीणों का जो घर में पानी घुस जाता है बरसात में। तो आप देख लो, अभी भी नाली है, विकल्पित नाली, और साइड में घर है, तो बरसात आने वाला है। अगर नाली नहीं बन पाएगा तो फिर ये जितने भी बसाहट है बस्ती का, वो पूरा सभी घर में पानी जाएगा, तो समस्या ग्रामीणों को होगा। तो मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि तत्काल ये बस्ती के अंदर का नाली बने, और जहाँ पुल बनना था, जहाँ पुल लगना है, उस जगह में तत्काल पुल बनना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। क्षेत्र के जनपद सदस्य योगेश साहू ने कहा कि हमारे गांव के सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार करते हुए घोर लापरवाही की गई। ठेकेदार ने संबंधित विभाग को भी अपने में मिलाकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, जिसका हम विरोध करते हुए उग्र आंदोलन भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी आप देख रहे हैं, बोरसरा से खरकेना होते हुए हरदी मुख्य मार्ग तक रोड गई है, जो विगत, जैसे सरपंच साहब ने बताया, 1.5-2 सालों से चल रही है। लेकर तो डामर के कार्य पूरा हुआ, लेकिन जो उसके साथ नाली बननी थी, ना तो नाली बना ना तो पुलिया बना। और इंजीनियर लोग से जब बात होती हमारे ई साहब से, तो वो लगातार वही बोलते कि बनेगा पुलिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, डामर के बाद, डामरीकरण के बाद पुलिया बनती क्या कहीं, या नाली बनती? अगर ऐसा है तो लिखित में दे दे भाई जवाब, और जल्द से जल्द अगर पुल नहीं बना तो बारिश में इधर बस्ती पिछले 2 साल से डूब रही, जब रोड नहीं बना था तो ऐसे ही डूब रही थी, अब तो हाइट इतना रोड का कर दिया, उसके बाद पुल का सुविधा नहीं, पूरा डूब जाएगी बस्ती। अगर जल्द से जल्द नहीं बनती तो कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, आवेदन देंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, पूरी भ्रष्टाचार, ये जो डामरीकरण हुआ है, पूरी भ्रष्टाचार, जलाइल डाल के किया है, कहीं भी डामर की मात्रा नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। योगेश साहू, जनपद सदस्य, खरकेना, क्षेत्र क्रमांक 17। वहीं ग्रामवासियों का भी कहना है, लाखों रुपया खर्च होने के बावजूद सड़क सही ढंग से नहीं बन पाई।
ग्राम खरकेना का निवासी हूँ। मैं अभी हमारे गांव में नया PWD से वृद्धि हुआ था, वृद्धि तो 2 साल पूर्व हो चुकी है, जिसकी लागत 4.5 करोड़ है। और ये 4 किलोमीटर की वृद्धि है, जिसमें पुल पुलिया नाली निर्माण, पुल पुलिया था, RCC पुल भी है इसमें, और 9 इंची 12 इंची 12 किलो का पुल पुलिया डलना था, लेकिन कुछ भी नहीं डल पाया। सिर्फ रोड बना दिया गया है, रोड भी बनाया स्तरहीन है, जिसकी गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता नहीं होने के कारण आज भी लोड गाड़ी आने पर डामर उखड़ रहा है, डामर सही रूप से नहीं डल पाया है, जिसमें बेस भी सही नहीं है, मुरुम की जगह मिट्टी को डाल दिया गया है। और सबसे ज़्यादा हमारे गांव में पानी की निकासी है, जो पुल पुलिया नहीं होने के कारण बाढ़ग्रस्त हो जाती है। पिछले वर्ष हमारे घरों में पानी चली गई थी, निकासी नहीं होने के कारण। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे जो गांव का पानी की निकासी है, उसको सबसे पहले दुरुस्त कराना था, उसके बाद डामरीकरण कराना था। हम थोड़ा माननीय श्री इंजीनियर साहब से कई बार आग्रह किए कि ये कार्य पहले कार्य किया जाए, पुल पुलिया निर्माण का, नाली निर्माण का, उसके बाद डामरीकरण किया जाए। तो इंजीनियर साहब बोल दिए कि हम पहले डामरीकरण करेंगे, उसके बाद पुल पुलिया। मैं कहीं पर नहीं देखा हूँ कि बिना पुल पुलिया निर्माण का डामरीकरण पहले होता है और बाद में पुल पुलिया निर्माण करते हैं। हम कई बार आग्रह किए हैं इंजीनियर साहब से, और हमारे ई साहब से बात किए हैं, SDO साहब से बात किए हैं। वो लोगों का भी यही है कि कहना कि हम पहले बना रहे हैं, उसके बाद में लगा देंगे, लेकिन बाद में कोई लगता ही नहीं है भाई। इस तरह की बातें कोई नहीं कह सकता। शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारे जो पानी की निकासी, उसकी व्यवस्था सबसे शुरुआत करें, क्योंकि बरसात आने वाली है, हमारे घरों में पानी चली जाती है। वो हमारी यही मांग है कि तत्काल पुल पुलिया का निर्माण अनिवार्य कराएँ। जब रोड नहीं बनेगी तब तो हमार घर में मारी भर भर पानी भर जाती, चीहू पारू पर। नाली की व्यवस्था पहली कराओ, और नाली की व्यवस्था साथ साथ ये पुलिया बनाए, और ये जो रोड ऊंचा हो गया थे इसके मरम्मत साइड बन में मुरुम वगैरह डाल। और अब जब रोड नहीं बनने रही तब तो हमार घर में मारी भर पानी भर जाती, हमार हरियर तेल ही उपल जाते। अब जब रोड बन गए थे अब तुम्हें जान भर पानी भर जाए। नाली की मरम्मत, पुलिया बनवाओ और साइड में मुरुम बदलवाओ। शासन के द्वारा लाखों रुपए तखतपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण के पीछे खर्च किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को आने जाने में किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। पर संबंधित विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के चलते शासन की गाड़ी कमाई हवा में उड़ती नजर आती है। शासन को ध्यान देना चाहिए कि पैसे का सही उपयोग हो, ताकि ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को लंबे अरसे तक किसी प्रकार की समस्या ना हो। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।